सोमवार को कैलाश नगर कुरुत भिलाई के सियान सदन में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदन के महामंत्री जे आर साहू का जन्मदिन भी मनाया गया। इस पारिवारिक मिलन समारोह में सियान सदन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए और महामंत्री के आर साहू को जन्मदिन की बधाइयां दी। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी सियान सदन कैलाश नगर कुरुत भिलाई ने अपना वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह 25 दिसंबर सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समारोह में प्रदेश वैश्य तैलिक समाज के संरक्षक सुभाष साव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर पालिक निगम भिलाई के MIC मेंबर लालचंद वर्मा भी शामिल हुए। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पहार समर्पित किया और छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना की। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार शॉल और श्रीफल देकर किया गया। इसी बीच सियान सदन कैलाश नगर कुरुत के सदस्यों में जिन्होंने अपने जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर लिए, उन्हें भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। तत्पश्चात अतिथियों के उद्बोधन हुए और सदन के अन्य सदस्यों ने गीत संगीत की मधुर छटा बिखेरी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सियान सदन कैलाश नगर कुरुत के सदस्य गणों के बीच में मधुर संबंधों की जमकर तारीफ की और आगे सहयोग देने की बातें भी कही। वहीं सियान सदन कैलाश नगर कुरुत भिलाई के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी दी और आज ही के दिन सदन के महामंत्री जी आर साहू के जन्मदिन होने की जानकारी दी। तत्पश्चात महामंत्री जी आर साहू के जन्म दिवस का केक भी उनके परिवार की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ काटा गया और उपस्थित जन समुदाय ने एक एक करके उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले तो जगदीश लाल साहू जी को दीर्घायु की कामना करता हूँ और माता ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु रहे। मैं सारे वरिष्ठों का जो प्रेम देखा मैंने आज सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम में, वरिष्ठों का आपसे जो प्रेम देखा, वाकई में एक समाज को इनसे सीखने की आवश्यकता है। इनका जो आपस में तालमेल, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना और जो चेहरे में खुशियाँ हुई, तो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं देखाऊँगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं समाज की रीढ़ की हड्डी है और समाज को इनसे सीखने का मौका मिलता है। और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे साहू जी के जन्मदिन में उनका परिवार, बहू बेटे पोता सब मिल के जो यहाँ उनका जन्मदिन मनाया, मैं सभी वरिष्ठों के परिवार से, उनके बच्चों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपने माता पिता का इसी तरह जन्मदिन मनाएं ताकि उनकी आयु और बढ़ सके, क्योंकि जीवन में वरिष्ठों को कुछ नहीं चाहिए, स्नेह प्रेम और सम्मान चाहिए। मैं इसी के साथ पूरे परिवार को, पूरे वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नव वर्ष की भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानते हैं, कारण ये है कि देखिए, युवाओं में इस स्पर्धा होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी होती है, लेकिन जब आदमी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में रहता है तो उनको ईर्ष्या नहीं होती, उनमें आपस में तालमेल की सोच होती है कि हमको मिल के चलना है, हमारे को एक दूसरे के साथ में रह के चलना है। तो दोनों की सोच के परिवर्तन के कारण ये स्थिति निर्मित होती है कि युवा की सोचने का ढंग अलग है और वरिष्ठों का सोचने का ढंग अलग है। साहू जी ने अपने जन्मदिन को आज की शाम बुजुर्गों का नाम इस प्रकार से नाम तो दिया है, और वास्तव में साहू जी को प्रेरणा उनके परिवार के सदस्यों से मिली है, खासकर श्रीमती नेहा साहू, जिसे साहू जी पुत्रवधू नहीं बल्कि पुत्री की तरह स्नेह देते हैं। और इनके स्नेह के बदौलत वो इतना अच्छा विचार रखती है कि मैं पिताजी को हम किस प्रकार से हमेशा खुश रखें, दीर्घायु बनाएं और इस प्रकार से वरिष्ठों के बीच में काम करें। और हमारे साहू जी जो हैं भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के संगठन मंत्री हैं और सबको संगठित करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से मैं भिलाई के बुजुर्गों को एकत्रित करूं, एक अच्छा संदेश भिलाई के माध्यम से प्रदेश के और देश के लोगों को मिले। इनके लिए यही कहूँगा कि आप ब्रह्मलीन श्री शारदा प्रसाद साहू और श्रीमती शारदा प्रसाद साहू के सुपुत्र हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं बचपने में बहुत चुलबुले होते हैं, तो इनके चुलबुलाहट को देख करके इनके पिताजी मेरे सामने तो हमेशा शिकायत करते। मैं कहा, देखो सुभाष एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, इसमें ऊर्जा है और ऊर्जावान व्यक्ति जो है अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा साहू जी कि ये बच्चे इतने अच्छे होंगे कि आप देखते रहेंगे, ये यशस्वी होगा और धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ होगा
और सभी बुजुर्गों के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना होगी, सब कुछ करेगा। तो बोलते थे कि गुरु जी अब आप जाने भाई, मैं तो नहीं जान सकता। बोले चूँकि मैं देखता हूँ और एक शिक्षक हूँ, लोग मुझे सम्मान देते हैं, जब सम्मान देते हैं तो मेरा दायित्व होता है मैं सबके प्रति अपने आँखों को गड़ा कर रखूँ और जिसका भविष्य किसमें समझ सकता है। इस प्रकार से उनको मैं कहा करता था और वास्तव में मुझे गर्व है सुभाष साहब पर, जो मैं कहता था उसको ये साकार, उससे बढ़कर के साकार हुआ। क्या बात। और इस प्रकार से जितने भी अच्छे अच्छे मेरे शिष्य उस प्रकार हुए हैं, जो पहले चुलबुले थे, एक से एक बढ़कर के हैं, लेकिन सुभाष से बढ़कर के कोई नहीं है। मुझे अचानक से इस कार्यक्रम में सुभाष भैया के कहने पर मैं आया हूँ, तो यहाँ आने पर मुझे पता चला कि आदरणीय जगदीश साहू जी का जन्मदिन है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, क्योंकि जगदीश साहू जी हमेशा से मुझे अपने पुत्र के समान मानते हैं और आशीर्वाद हमेशा देते रहे हैं। तो आज मुझे यहाँ आया तो अच्छा लगा कि इनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आया हूँ। और यहाँ के जितने भी सियान सदन के जो सदस्य लोग हैं, उनका आशीर्वाद भी मुझे हमेशा मिलता रहा है और इनके व्यवहार और एक उम्र दराज होने के बाद भी जिस प्रकार से इनमें मतलब जीने की चाह और समाज के प्रति कुछ करने की चाह जो है, वो उसको देख करके हमें भी प्रेरणा मिलता है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आदरणीय साहू जी को हमेशा इनका आशीर्वाद मिलता रहता है और इनका इसी तरह सम्मान हम लोग करें और इनका हमारा इनका भी हम लोग को आशीर्वाद मिले। साल दर साल सियान सदन कैलाश नगर कुरुद सशक्तता की ओर कदम बढ़ा रहा है और इस सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। कारण सिर्फ यही है कि इस सियान सदन कैलाश नगर कुरुद का संचालन बहुत ही बेहतर ढंग से पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।